नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिना मशीन मौसमी का जूस बनाने का 3 बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ढेर सारा मौसमी का जूस निकाल सकते हैं। तो चलिए जूस निकालना शुरू करें। जूस बनाने के लिए हमने 2 मौसमी लिया है। अब हम इसको इस तरह से 2 टुकड़े में काट लेंगे। काटने के बाद हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे। पहला तरीका जूस निकालने का हम आपको पहले बताते हैं। ये देखिए, पहला तरीका ये है, इस तरीके से घुमा घुमा कर जूस हम निकालेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बहुत ढेर सारा जूस निकलता है। अब हम दूसरे टुकड़े को लेंगे और उसमें भी इस तरह से कट लगाएंगे और इससे भी इसी तरीके से जूस निकालेंगे। आप देख रहे हैं कितना ढेर सारा जूस निकल रहा है और बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अब हम बचे हुए पल्प को चम्मच की सहायता से दबाकर इसका जूस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारा बीज निकल गया है और पल्प से भी हमने जूस निकाल लिया है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जूस निकालने का। एक मौसमी को 2 टुकड़ों में काट लिए हैं। इसमें भी बीज से ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम मौसमी इस तरह से इसके ऊपर घुमाते जाएंगे और हमारा जूस निकलता जाएगा। इस तरीके से भी बहुत ढेर सारा जूस निकलता है और बहुत ही आसानी से। हमने दोनों टुकड़े से जूस निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारा जूस निकला है। अब हम आपको जूस निकालने का तीसरा तरीका बताएंगे। तीसरे तरीके में हमने एक मौसमी लिया है। इस तरह से हम उसको छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह से हम बीज से 2 टुकड़े में काट लेंगे। काटने के बाद हम चाकू की सहायता से इसका सारा बीज इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से बीज निकल जाता है। बीज निकालने के बाद हम इसको फिर 2 टुकड़े में करेंगे। फिर इसका 2 टुकड़ा करेंगे। इस तरह से एक मौसमी से हम पूरे टोटल 8 टुकड़े करेंगे। सभी टुकड़ों से बीज का ये हिस्सा चाकू की सहायता से काटकर निकाल लेंगे। हमने 3-4 मौसमी को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटकर इसके बीज का हिस्सा काटकर निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और सभी टुकड़ों को उस जार में ले लेंगे। अब हम मिक्सर जार में 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इन टुकड़ों को ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको छानेंगे। हमने सारा जूस छान लिया है। जूस निकालने का यह बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से बहुत ढेर सारा जूस निकलता है। आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा जूस निकला है। हमारा जूस बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच मसाला नमक डालेंगे। अब हम मौसमी का एक टुकड़ा लेंगे, उसको गिलास में इस तरह से लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने मौसमी का जूस बनाने का आपको 3 तरीका बताया है और तीनों तरीका बहुत ही आसान है।
अगर आपको हमारे ये तरीके पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गर्मी के दिनों में मौसम्बी का जूस एंजॉय करिए।